सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम भाग दो से पाठ छः की तीसरी कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सावन का गीत। इस कविता का क्या शीर्षक है? सावन का गीत। अभी तक मैंने आप लोगों को दो कविताएं पढ़ाई हैं, बहुत हुआ और काले मेघा पानी दे, पर आज हम लोग पढ़ेंगे सावन का गीत। यह एक काल्पनिक कविता है। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सावन का झूला तुम इतना बड़ा डालना कि उसमें सारा संसार समा जाए। उसी डाली पर जो फैली है आसमान के पार, और सावन का झूला उस डाली पर डाला जो आसमान के उस पार फैली हुई है। उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार, एक पैग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरे में एकदम से अंतरिक्ष के पार। क्या बोला जा रहा है कि उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार, वो रस्सी तुम इतनी ऊंची पे फेंक, ऊंचाई पे डालना कि जिसका कोई भी पारावार, कोई भी सीमा ना हो। एक पैग में मंगल ग्रह के द्वार, जब हम झूला झूलते हैं तो पैर से ऐसे ऐसे झूला को करते हैं, तो वही उसे ही कहते हैं पैग। तो एक पैग में मंगल ग्रह के द्वार झूला जब झूले, तो एक पैग जब झूला ऐसे जाए तो हम मंगल ग्रह के पार चले जाए, और दूसरा पैग जब ऊपर की तरह जाए तो हम अंतरिक्ष के पार चले जाएं। तो यही कविता है, यही काल्पनिक कविता है। आप लोग ध्यानपूर्वक कविता को पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक पुस्तक नहीं ली है वो लोग पुस्तक खरीद लोगे। तब तक के लिए मैं जो ये वीडियो भेज रही हूँ, वीडियो को ही ध्यान से सुनोगे और कविता याद करोगे। तो चलिए, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।